एज्यूम करें कोई एक पर्सन 100 रुपीज किसी एक बैंक में डिपॉजिट करता है 3 ईयर्स के लिए और उसे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। वह पर्सन यह जानना चाहता है कि 3 साल बाद उसे क्या मिलेगा, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमें कंपाउंड अमाउंट का लगाना चाहिए क्योंकि इंटरेस्ट 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली का गिवन। तो इक्वल टू P1+R/100 raised to power n और इस फॉर्मूले के बेस पर अगर हम इस ट्रांजेक्शन की कैलकुलेशन करें तो 100 1.1 raised to power 3 फाइनल वैल्यू हम पा जाएंगे 133.1 रुपीज। इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग यह है कि जिस पर्सन ने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया 3 ईयर्स के लिए वह 3 ईयर्स तक बैंक नहीं जाता है, 3 साल बाद बैंक उसे कैलकुलेट करके दे रही है 133.1 रुपीज। जरा समझे इस बात को, जिस पर्सन ने 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट किया 3 ईयर्स के लिए वह 3 ईयर्स तक बैंक नहीं जाता है, 3 साल बाद बैंक उसे 133.1 रुपीज दे रही है। इसकी मीनिंग यह है कि 3 साल बाद जो वैल्यू पा रहा है वह फ्यूचर में ही तो पा रहा है 133.1 रुपीज, क्योंकि हमें जब भी कुछ भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद मिलता है तो हम यह कह देते हैं कि फ्यूचर में मिलेगा या फ्यूचर में मिल रहा है। एज्यूम करें कि कोई एक पर्सन 4 साल बाद 1 लाख रुपीज पा रहा है तो हम क्या कहेंगे, भाई वह फ्यूचर में पाएगा 1 लाख रुपीज। सिमिलरली 100 रुपीज उस पर्सन ने डिपॉजिट किया 3 साल के लिए, 3 साल बाद उसे 133.1 रुपीज मिला, तो इसकी मीनिंग वह फ्यूचर में 133.1 रुपीज पाएगा। अगर कोई एक स्टूडेंट 3 ईयर्स या 4 ईयर्स के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है तो यह कहा जा सकता है कि वह फ्यूचर में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। अब इस 133.1 को कैलकुलेट किया किसने है? ए ने कैलकुलेट किया है, तो हम ए को फ्यूचर वैल्यू भी तो कह सकते हैं। पी क्या है? वह इनिशियल फिगर है जिसे डिपॉजिट करके फ्यूचर वैल्यू पा रहे हैं, तो हम इसे प्रिंसिपल वैल्यू भी तो कह सकते हैं क्योंकि इसी को तो हमने यूज करके फ्यूचर वैल्यू पाया। तो एक फॉर्मूला यहां हमें मिल गया, फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+R/100 raised to power n। जब भी किसी फ्यूचर वैल्यू की जरूरत हो किसी भी प्रेजेंट वैल्यू के बेस पर तो आप इस फॉर्मूले से फ्यूचर वैल्यू एग्जैक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसी फार्मूले को सिंप्लीफाई करें तो हम प्रेजेंट वैल्यू की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्यूचर वैल्यू 1+R/100 raised to power n। कहीं भी आपका कोई भी फ्यूचर का टारगेट फिक्स है उसे पाने के लिए आज कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कैलकुलेट किया जा सकता है। मान लें 3 साल बाद किसी एक पर्सन को 133.1 रुपीज चाहिए, आज उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कैलकुलेट किया जा सकता है। कोई एक पर्सन जिसकी शादी होने वाली है मान लें 5 साल बाद और उसे अपने पर्सनल शॉपिंग के लिए मान लें 2 लाख रुपीज की जरूरत है, बैंक या बैंक ने लोन देने से मना कर दिया, लेकिन क्योंकि उसकी शादी होने वाली थी बैंक थोड़ी सी लिबरल हो गई और बैंक ने यह कह दिया कि तुम जितना भी डिपॉजिट करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में 20% का मिल जाएगा। अब उसका क्वेश्चन यह है कि आज वो कितने रुपीस बैंक में डिपॉजिट कर दे जिससे 5 साल बाद उसे 2 लाख रुपीस मिल जाए। वो क्या जानना चाहता है? वह जानना चाहता है प्रिंसिपल वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, इनिशियल वैल्यू। फ्यूचर का टारगेट उसका फिक्स है 2 लाख रुपीस, 5 ईयर्स ये भी फिक्स है, रेट ये भी फिक्स है। तो अब अगर हम इस केस में प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं तो प्रेजेंट वैल्यू के इसी फार्मूले को अप्लाई कर दें, फ्यूचर वैल्यू के लिए लिख लेंगे 2 लाख/1+20/100 raised to power 5 और इसके अकॉर्डिंगली 2 लाख/1.2 raised to power 5। इसे कैलकुलेट करने का छोटा सा ट्रिक भी देख लेते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1.2 raised to power 5 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और उस वैल्यू से 2 लाख को डिवाइड करेंगे। अब 1.2 raised to power 5 की अगर वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना हो तो हम क्या करेंगे, 1.2 × 1.2 = 2 times तो हो गया, हमें 5 times चाहिए, 2 times हो चुका है। मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में ऐसे
किसी भी पावर की वैल्यू को कैलकुलेट करने का ट्रिक बता रखा है, तो 2 हो चुका है। जितने और चाहिए इक्वल टू का साइन प्रेस कर दें, 3, 4, 5, 1.2 raised to 5 की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इससे हमें डिवाइड करना है 2 lakh को, तो हम क्या करते हैं जनरली, या तो हम खुद लर्न रखते हैं या किसी रजिस्टर पर अपने नोट डाउन कर लेते हैं, या अपने बगल वाले किसी फ्रेंड से कहते हैं तुम लर्न रखना, जब मैं पूछूंगा तो बताना। आप इन तीनों में से कुछ भी ना करें, अपने कैलकुलेटर से ही कहते हैं कि तुम लर्न रखना, जब मैं पूछूंगा बताना। ये साइन है एम प्लस का मेमोरी प्लस, ये अब लर्न रखेगा कैलकुलेटर, जब पूछूंगा तभी बताएगा। बिना कैंसिल किए आप डायरेक्ट लिखना 2 lakh डिवाइडेड बाई, अब हमें वही फिगर चाहिए जो हमने लर्न करने के लिए कैलकुलेटर से कहा था। ये साइन है एमआरसी मेमोरी आउट, ये मेमोरी आउट कर दिया, इक्वल टू प्रेस कर दिया, तो वैल्यू आ गई 80,375.50 मान लें। 83,375 रुपीज आज अगर वह पर्सन बैंक में डिपॉजिट कर दे तो 5 साल बाद उसे 22 lakh रुपीज मिल जाएंगे, जिससे वह अपने रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकेगा। दिस इज प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज सिंपल प्रेजेंट वैल्यू। आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में फ्यूचर का कोई भी टारगेट फिक्स है, उसे पाने के लिए आज कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, वह आप इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, तब हम चलते हैं। नॉर्मल केस में यह कहा जाता है कि अगर 100 rupees कोई एक पर्सन किसी बैंक में डिपॉजिट करता है 3 years के लिए, बैंक उसे इंटरेस्ट दे रही है 10% पर annum, तो 3 साल बाद अमाउंट क्या मिलेगा। डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं, कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। लेकिन आप एज्यूम करें कि अगर कोई पर्सन 100 rupees बैंक में डिपॉजिट करता है 3 years के लिए, लेकिन बैंक ने फर्स्ट 2 years के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दिया 5% एनुअली, और नेक्स्ट 1 year के लिए बता दिया आपको मिलेगा 6% सेमी एनुअली। अब अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं एट द एंड ऑफ 3rd year अमाउंट क्या मिलेगा, तो हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है। क्या कि भाई 3 years के लिए कंप्लीट एक ही रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, अलग अलग ईयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग, तो इसे कैलकुलेट करने का एक्चुअल प्रोसेस क्या है वो हम पहले सीख लेते हैं। हम क्या करेंगे, 100 rupees का पहले फर्स्ट टू ईयर्स की कैलकुलेशन करेंगे, ये 3 years तो कंप्लीट है, फर्स्ट 2 years की कैलकुलेशन करेंगे जो फिगर यहां का आएगा, और फिर जो फिगर यहां का आएगा वह अगले 1 year के लिए प्रिंसिपल वैल्यू मान लिया जाएगा, और उस पर हम 6% सेमी एनुअली की अगले 1 साल की कैलकुलेशन कर लेंगे, जो फाइनल वैल्यू पाएंगे वही आंसर हो जाएगा। इसकी मीनिंग हमें 2 times कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। हम एक फार्मूला ऐसा सर्च कर ले रहे हैं, हम एक फार्मूला ऐसा यूज करेंगे अब, जिससे ऐसे किसी भी क्वेश्चन में हमें 2 times कैलकुलेशन की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में एक ही कैलकुलेशन से एक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाए। इस टॉपिक को कहा जाता है कंपाउंड अमाउंटेड चेंजिंग रेट्स, क्योंकि अलग अलग ईयर्स में रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग है। तो हम इस टॉपिक को लिखते हैं कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स। स्टेटमेंट वह मैं लिख दे रहा हूं, आप इसे अपने रजिस्टर पर नोट डाउन कर लेंगे। द फाइनल कंपाउंड अमाउंट इज द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड 2 or more than 2 factors is in the form of
वन प्लस आर बाई हंड्रेड टेस्ट पार एन। समझें इस स्टेटमेंट की मीनिंग, क्योंकि इसी स्टेटमेंट के बेस पर ऐसे हम किसी क्वेश्चन की कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे। क्या लिखा है, द फाइनल कंपाउंड अमाउंट मीनिंग यहां का फिगर इज द प्रोडक्ट ऑफ ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड टू और मोर देन टू फैक्टर्स, जितने फैक्टर्स हो उन सभी को 1 प्लस आर बाई हंड्रेड टेस्ट पार एन के फॉर्म में लिखकर मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। अगर हम इस एग्जांपल में देखें तो इस एग्जांपल में कितने फैक्टर्स हैं, टू फैक्टर्स हैं जी। तो फाइनल कंपाउंड अमाउंट इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ओरिजिनल प्रिंसिपल एंड टू आर मोर देन टू, यहां तो टू ही है फैक्टर्स, 1 प्लस 5 बाई हंड्रेड टेस्ट पार 2, ये पहला फैक्टर हुआ। दूसरा फैक्टर क्योंकि सेमी एनुअली के अकॉर्डिंगली गिवन है तो हम यहां लिखेंगे 6 बाई 2 इंटू 100 रेज टू पावर 1 इंटू 2। सेमी एनुअली के केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगले स्टेप में 100 1.05 रेज टू पावर 2 इंटू 1, 2 से 6 को कैंसिल किया, 1.03 रेज टू पावर 2। अब जो भी फाइनल वैल्यू आप इसमें पाएंगे, 1.05 रेस्ट पार्ट 2 आता है 1.1025 है, लेकिन फिर भी एक बार कंफर्म कर लें जिससे गलती होने के चांसेस ना रहे, इनटू 1.03 रेस्ट पार्ट 2 1.0609, और जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे इनटू 1.1025 200 116.96। एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर लेंगे। तो ऐसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का पैटर्न यही है, यहां टू फैक्टर्स थे, मोर देन टू होते तो भी हम इसी फॉर्म में यूज कर लेते। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन दी जाए, एनुअली सेमी एनुअली क्वार्टरली जो हो, एक दूसरे एग्जाम्पल से और भी अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं, समझना आसान हो जाएगा। मान लें 100 रुपीज किसी एक बैंक, किसी एक पर्सन को किसी बैंक में डिपॉजिट करना है, लेकिन बैंक ने कहा कि आपको फर्स्ट 2 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 5% एनुअली, नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए मिलेगा 6% सेमी एनुअली, और नेक्स्ट 1 ईयर के लिए मिलेगा 4% क्वार्टरली। Find the amount at the end of fifth year। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 3 फॉर्म्स में अलग अलग कैलकुलेट करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट आप एक ही स्टेप में कैलकुलेट कर रहे हैं। डायरेक्ट स्टेप अगर हम लगाते हैं तो a इक्वल टू ओरिजिनल प्रिंसिपल 100 मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में 1 प्लस 5 बाई 100 डेस्ट पार 2 क्योंकि 5% एनुअली है, इंटू 1 प्लस 6% सेमी एनुअली, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को आप 2 से डिवाइड, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 4% क्वार्टरली है तो 4 बाई 4 इंटू 100 रेज टू पावर 1 इंटू 4। और इस बेस पर जब आप कैलकुलेट करेंगे तो 1.05 रेज टू पावर 2 आएगा इंटू 1.03 रेज टू पावर 4 आएगा और 1.01 रेज टू पावर 4 ही आएगा। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके एग्जैक्ट आंसर पा सकते हैं, 1.1025, 1.03 raised to power 4, 1.1255 और 1.01 raised to power 4 also, 1.0406। जो फाइनल वैल्यू पाएंगे वही आपका आंसर हो जाएगा, इसे आप खुद कैलकुलेट कर लेंगे। ये था टॉपिक कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स, अगले टॉपिक पर चलते हैं। लेकिन अगले टॉपिक को मैं डिफाइन करूं उससे पहले एक एग्जांपल सीखते हैं। दो एग्जांपल्स मैं एक साथ बता रहा हूं, इसे समझें, क्योंकि अगर ये समझ में आ गया तो ये मान लें कि टॉपिक भी समझ में आ जाएगा। 100 रुपीज कोई एक पर्सन किसी एक बैंक में डिपॉजिट करता है 3 इयर्स के लिए,
रेट ऑफ इंटरेस्ट उसे दिया जाता है 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए, जो हम कई बार कर चुके हैं, तो इसकी मीनिंग यह है कि फर्स्ट ईयर में वह पर्सन 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करता है, फर्स्ट ईयर में इसका 10% 10 रुपीज मिलेगा, ये 10 रुपीज 100 रुपीज में ऐड हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। सेकेंड ईयर 110 रुपीज पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा, ये आएगा 11 रुपीज, 11 रुपीज फिर 110 में ऐड हो गया, ये होगा 121 पर। अब थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा जो आएगा 12.1 और इसे भी ऐड करने के बाद आएगा 133.1 रुपीज। ये एग्जांपल हम कई बार यूज कर चुके हैं, अब तो इसका आंसर भी लर्न हो चुका होगा। एक दूसरा एग्जांपल एज्यूम करें 100 रुपीज का कोई एक प्रोडक्ट है जिसे हम 3 इयर्स तक यूज कर रहे हैं। इस प्रोडक्ट पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है 10% पर एनम का। 3 साल बाद इस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या रहेगी? अगर इसे एक्सप्लेन किया जाए तो इसकी मीनिंग, फर्स्ट ईयर 100 रुपीज ये उस प्रोडक्ट की इनिशियल वैल्यू है, 100 रुपीज पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया, ये 10 रुपीज आएगा, ये 10 रुपीज 100 रुपीज में से डिडक्ट हो गया, 90 रुपीज बना। अब सेकेंड ईयर किस वैल्यू पर इंटरेस्ट किस वैल्यू पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाए, 100 पर या 90 पर? ध्यान से समझे, अगर किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में हर जगह कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज होता है, सिंपल इंटरेस्ट नहीं। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो सिंपल इंटरेस्ट में लगाना ही पड़ेगा। सिमिलरली डेप्रिसिएशन की अगर कोई इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही लगाना चाहिए, डिमिनिशिंग बैलेंस। स्ट्रेट लाइन मेथड हम कभी नहीं लगाएंगे, लेकिन जब इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो हम उसी मेथड को लगाएंगे। अब इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमें डेप्रिसिएशन केवल रेट दिया गया, मेथड नहीं बताया गया, तो डिमिनिशिंग बैलेंस आप लगा दें, मीनिंग 90 रुपीज पर डेप्रिसिएशन अब चार्ज होगा सेकेंड ईयर के लिए, 10% 9 रुपीज बनेगा, 9 रुपीज इसमें से डिडक्ट हो जाएगा, आ जाएगा 81 रुपीज। थर्ड ईयर 81 रुपीज पर अब डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, 81 रुपीज का डिप्रिसिएशन 8.1 रुपीज बना 10% के अकॉर्डिंगली, ये इसमें से डिडक्ट करेंगे तो आएगा 72.9 रुपीज। हम इन दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करते हैं। अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स को कंपेयर करें तो यहां जो फिगर आप देख रहे हैं, जिसको मैं अभी ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं, ये सभी ऐड किए जा रहे हैं, देखें। और यहां जो अभी मैं सभी ग्रीन पेन से मार्क कर रहा हूं, ये सभी यहां से सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं। अगर इस लास्ट वैल्यू 133.1 को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये प्लस साइन के साथ हो सकता है, तो इस लास्ट वैल्यू को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यही निगेटिव साइन के साथ क्यों नहीं हो सकता? लॉजिकली तो होना ही चाहिए, वेरीफाई करके देख लेते हैं। 133.1 इस फार्मूले से तो आता ही है, ये हम कई बार यूज कर चुके हैं। अगर हम यहां भी यूज करना चाहते हैं तो 1 + 10/100 raised to power 3, 10/100.1 आता है, 1.1 raised to power 3 आता है, 1.331, फाइनली हम पा जाते हैं 133.1। लेकिन क्वेश्चन यह है कि क्या इस निगेटिव फार्मूले से 72.9 हम पाते हैं? तो हम इसकी कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं। पी है 100, 1 - 10/100 raised to power 3, 100, 1 - 0.1 मीनिंग 0.9 raised to power 3, 100, 0.9 raised to power 3 आता है 0.729, और अगर इसे मल्टीप्लाई किया जाए 100 से तो 72.9 रुपीज आएगा। बिल्कुल सही है, इसकी मीनिंग जो लॉजिक लगाया गया था वो सही था। अब एक स्टेटमेंट में तो हम श्योर हो गए कि अगर कहीं भी आपसे डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन दिया जाए और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू जानने के लिए कहा जाए, तो हमें कंपाउंड अमाउंट के फार्मूले को निगेटिव साइन के साथ यूज कर लेना चाहिए। लेकिन इससे हम पाएंगे क्या? क्वेश्चन ये रेज होता है, हम इससे पाएंगे ए रिप्रेजेंट करता है डेप्रिशिएटेड वैल्यू,
डेप्रिशिएटेड वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को आफ्टर डेप्रिशिएशन। 100 रुपीज का अगर प्रोडक्ट है तो आफ्टर डेप्रिशिएशन उस प्रोडक्ट की वैल्यू बनेगी 72.9 एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो अगर आप डेप्रिशिएशन जानना चाहते हैं तो क्या होगा, डेप्रिशिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ओरिजिनल वैल्यू माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू। अगर इस एग्जांपल में ओरिजिनल वैल्यू 100 माइनस डेप्रिशिएटेड वैल्यू 72.9 हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आ जाता है 27.1 रुपीज डेप्रिशिएशन में आ जाएगा। तो डेप्रिशिएशन के केस से रिलेटेड किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका यह है, आपसे स्क्रैप वैल्यू पूछा जाए तो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे और अगर डेप्रिशिएशन पूछा जाए तो भी आप कैलकुलेट कर लेंगे। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखें जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यू है कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपीज, कोई एक प्रोडक्ट जिसकी प्राइस है 1 लाख रुपीज, उस पर डेप्रिशिएशन चार्ज किया जा रहा है 10% पर एनम का। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस प्रोडक्ट की वैल्यू हो जाती है 30,000। तो उस प्रोडक्ट को कितने इयर्स तक यूज किया गया, एक बार फिर समझे, 1 लाख रुपीज का कोई एक प्रोडक्ट है, डेप्रिशिएशन उस पर चार्ज किया गया है 10%, डेप्रिशिएट हो रहा है 10% के रेट से। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद उस प्रोडक्ट की वैल्यू रह जाती है 30,000। तो उस प्रोडक्ट को कितने इयर्स तक यूज किया गया था, ये क्वेश्चन है आपका। अब जरा समझे, ये 30,000 क्या है, 30,000 है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद की वैल्यू, मीनिंग डिप्रिशिएटेड वैल्यू आफ्टर डिप्रिशिएशन, क्योंकि 1 लाख तो इनिशियल वैल्यू थी, आफ्टर डिप्रिशिएशन उस प्रोडक्ट की वैल्यू रह जा रही है 30,000। तो डिप्रिशिएशन के केस में और वो भी डिप्रिशिएटेड वैल्यू के लिए तो फार्मूला हम ये लगाते हैं, कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला निगेटिव साइन के साथ। और इसमें ए क्या बताता है, डिप्रिशिएटेड वैल्यू को जो इस एग्जाम्पल में 30,000 है, पी है इनिशियल वैल्यू जो इस एग्जाम्पल में 1 लाख है। एक जीरो ज्यादा हो गया, इसे कम कर देते हैं, 1 लाख अब ठीक है, 1 लाख, 1 माइनस 10/100 डेस्ट पर एम, 1 लाख से आपने 30,000 को डिवाइड कर दिया, ये आता है 0.3 इक्वल टू 0.9, 1 माइनस 0.1 0.9 ही आएगा डेस्ट पर एम। इसे सॉल्व करने के लिए दो तरीके मैंने आपको बता रखे, एक तो तरीका यह है जब आप कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करते हैं, और तरीका क्या है वो देखें, 0.9 रेस्ट पर एन ये RHS एज इट इज लिखा जाएगा। हमें चेक करना है LHS में कि 0.9 के कितने मल्टीपल फॉर्म में 3.3 आता है, 0.9 के कितने मल्टीपल फॉर्म में 0.3 आता है, और इसके लिए कैलकुलेटर की हेल्प लेते हैं। 0.9 हमें यह काउंट भी करना है, चेक भी कर लेना है, देखें 0.9 इंटू 0.9 इक्वल टू 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स में आता है 0.81। हमें काउंट करते रहना है और चेक करना है कब 0.3 बनता है या उसके नियरेस्ट वैल्यू, 2 टाइम्स हो चुका है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पर आता है 0.34, और नजदीक ले चलते हैं 11.31 आया, और नियरेस्ट ले चलते हैं क्या पॉसिबल है, 12 पर आता है 0.28, नियरेस्ट है 11 पर 0.31, तो इसकी मीनिंग हमें 11 का फिगर यूज कर लेना चाहिए। बेस सेम LHS RHS पावर सिक्वेट कर लिए जाते हैं तो n इक्वल टू 11 इयर्स, उस प्रोडक्ट को 11 इयर्स तक यूज किया गया था। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का वह यह है कि आप बोथ साइड्स लॉग ले दें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग 0.3 इक्वल टू एन लॉग 0.9। अब लॉग डेसिमल पॉइंट पे तो कैलकुलेट होता नहीं है,
तो अब हम क्या करेंगे, इस लॉग को सिंप्लीफाई करते हैं, 0.3 को लिख सकते हैं 3/10 इक्वल्स टू एन लॉग, 0.9 को लिख लेंगे 9/10, और अगले स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं लॉग 3 माइनस लॉग 10 इक्वल्स टू एन लॉग 9 माइनस लॉग 10। अब आप लॉग 3 की वैल्यू कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, माइनस लॉग 10 की वैल्यू 1 लिख लेंगे इक्वल्स टू एन, लॉग 9 की वैल्यू भी आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेंगे, या दूसरा तरीका इसे आप लिख लें 3² माइनस लॉग 10 1 हो जाएगा। अगले स्टेप में लॉग 3 की वैल्यू तो एज इट इज माइनस 1 एन 2 फ्रंट पर आ गया, ये हो जाएगा लॉग 3 माइनस 1, और जो आपने लॉग 3 की वैल्यू यहां कैलकुलेट कर लिया है वही अब यहां यूज कर लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस 1 करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे LHS RHS, एग्जैक्ट एन की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। इसमें इंटीग्रल फॉर्म के साथ साथ डेसिमल पॉइंट भी आपको मिलेगा, जबकि कैलकुलेटर से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं मिल पाता। नेक्स्ट फिर एक एग्जांपल देखें, उसके बाद हम टॉपिक देखें। दो फ्रेंड्स हैं ए और बी, दो फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं ए और बी, इतने अच्छे फ्रेंड हैं कि दोनों एक दूसरे से सभी बातें शेयर करते हैं। ए को 100 रुपीज किसी बैंक में डिपॉजिट करना था 3 इयर्स के लिए, लेकिन ये किसी ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे बैंक, लास्ट वीडियो में मैंने आपको यह बता रखा है GK2 दिल्ली में, GK2 एम ब्लॉक मार्केट है, अगर आप वहां चले जाते हैं तो ऑलमोस्ट सभी बैंक के ब्रांचेस वहां दिख जाते हैं आपको। ये 100 रुपीज सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि 100 रुपीज बैंक में डिपॉजिट करने कोई जाएगा, 100 रुपीज ये कोई एक स्टैंडर्ड फिगर हमने मान रखा है, आप अगर चाहें तो इसके जगह पर 5 लाख 50,000 1 लाख जो आप चाहें यूज कर दें, 100 रुपीज स्टैंडर्ड एक फिगर आप मान। चलिए जी, जो ए था वह GK2 के ब्लॉक में पहुंच जाता है, अभी ये वहां किसी बैंक में डिपॉजिट कर पाता तभी इसे एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर, वो था SBI। SBI के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अगर मेरे बैंक में तुम डिपॉजिट करो तो मैं तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट दिलवा दूंगा 8% एनुअली। अभी ये SBI के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जा पाता SBI में डिपॉजिट करने तभी इसे एक दूसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला, वो था PNB का। उसने कहा कि जी मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दो, मैं तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% एनुअली दे दूंगा। अभी ये इन दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर पाता तभी एक तीसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला, वो था बैंक ऑफ बड़ौदा। उस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि जी मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दो, मैं तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा 9% एनुअली। वह बाहर खड़ा सोच रहा है कि किस बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए, शायद आपको देखकर यह पता चल गया होगा कि किस बैंक में उसे डिपॉजिट करना चाहिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं, डिपॉजिट करना चाहिए PNB में 10% एनुअली, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। एक बार फिर इस एग्जांपल को क्लियर कर लेते हैं। एक कोई पर्सन है, 100 रुपीज उसे किसी बैंक में डिपॉजिट करना था 3 इयर्स के लिए, वह किसी ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां बहुत सारे बैंक के ब्रांचेस अवेलेबल थे। अभी ये किसी बैंक में जा पाता तभी इसे एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला, वो था SBI। उस बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि अगर आप मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे दूंगा 8% एनुअली। दूसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला, वो था PNB। उसने कहा कि मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा 10% एनुअली। अभी ये इन दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर पाता तभी इसे एक तीसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला, वो था बैंक ऑफ बड़ौदा। उसने कहा कि जी मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दूंगा 9%। उसे किस बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए? PNB में, क्योंकि सबसे अधिक इंटरेस्ट इसी में मिल रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये अपने उस दिन का पूरा एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड बी से शेयर किया और कहा कि भाई GK2 में ब्लॉक बड़ी अच्छी जगह मार्केट है, एक बार जाने पर किस बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए सोचना नहीं पड़ता, अलग अलग बैंक अलग अलग ऑफर्स लेकर आते हैं, डिसीजन लेना बड़ा आसान हो जाता है। बी ने सोचा
कि भाई अगर मेरा फ्रेंड ये कह रहा है तो अच्छी बात ही कह रहा होगा, मुझे भी चलना चाहिए वहां। दूसरे दिन क्या किया, बी ऑफिस से छुट्टी लेता है, 100 रुपीज लेता है और मनी मनी सोचा कि मैं अपने फ्रेंड से कम क्यों, उसने 3 इयर्स के लिए किया था, मैं क्यों ना 5 इयर्स के लिए कर दूं। ये निकल जाता है जीके टू अनब्लॉक के लिए। अभी ये वहां पहुंचा ही था तभी इसे एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला, आईसीआईसीआई। उसने कहा कि जी मेरे बैंक में आप डिपॉजिट कर दें, मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा 8% एनुअली। ये मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि भाई मेरे फ्रेंड ने तो बड़ी अच्छी बात बताई थी, अभी मैं पहुंचा हूं, एक बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आ गया। अभी ये इस आईसीआईसीआई बैंक के रिप्रेजेंटेटिव के साथ जा पाता तभी इसे एक दूसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला, वो था कोटक महिंद्रा। उसने कहा कि जी मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दो, मैं आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगा 7% सेमी एनुअली। इसे थोड़ी सी कंफ्यूजन हुई, ये सेमी एनुअली क्या है। अभी इन दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर पाता तभी एक तीसरे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आकर मिला, वो था HDFC। उसने कहा कि जी मेरे बैंक में डिपॉजिट कर दो, मैं तुम्हें दे दूंगा 6% क्वार्टरली। थोड़ी कंफ्यूजन और बढ़ी, ये डिसाइड ही नहीं कर पाया कि किस बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए। ये बिना डिपॉजिट किए घर वापस आ गया और शाम को अपने फ्रेंड ए को फोन किया और खूब अच्छे से सुनाया, भाई तुमने आज मेरी छुट्टी भी खराब कर दी, मेरा काम भी नहीं हुआ, कैसे गंदे जगह भेज दिया, डिसीजन लेना ही वहां बड़ा मुश्किल है। ए कह रहा है कि डिसीजन लेना बड़ा आसान है, बी कह रहा है डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है। दोनों एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, कहां हो गई कंफ्यूजन, सही दोनों बोल रहे हैं। कंफ्यूजन ये हो गई कि जिस दिन ए गया था उसे तीनों बैंक ने एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑफर दिया था, लेकिन जिस दिन बी गया, बी को ऑफर जो मिला वह एक ने केवल एनुअली दिया, एक ने सेमी एनुअली, एक ने क्वार्टरली दे दिया, इसलिए बी बिना डिपॉजिट किए घर वापस आ गया था। कितना अच्छा होता अगर बी को भी तीनों बैंक ने एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट का ऑफर किया होता तो शायद बी भी डिपॉजिट करके ही आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्या कोई तरीका है जिससे हम बी की हेल्प कर सकें? है एक फार्मूला जिससे हम किसी भी सेमी एनुअली, क्वार्टरली या मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट को एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उस टॉपिक को कहा जाता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम पहले टॉपिक देख लेते हैं, बी की हेल्प, उसके बाद करते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, The actual annual rate of interest is called effective rate of interest. The actual annual rate of interest is called effective rate of interest. ध्यान रहे, annual rate of interest ही effective rate of interest होता है। अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में rate of interest कह दिया जाए 7% per annum effective, तो ये आप श्योर हो जाएं कि ये annual rate of interest ही। In other words, we can say किसी भी semi annually, quarterly या monthly rate of interest को एनुअल में कन्वर्ट करने का प्रोसेस इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कहा जाता है, और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, हम इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को ई से डिनोट करते हैं, और इसे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है 1+R/100 raised to power n - 1 × 200 × 200, इसलिए जिससे परसेंटेज साइन के साथ आप रेट को बता सके। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करते समय ध्यान रहे एन की बेसिक वैल्यू आपको हमेशा वनी रखनी चाहिए, एन की बेसिक वैल्यू हमेशा वनी रहेगी। आप टाइम पीरियड कुछ भी यूज करें क्वेश्चन में, लेकिन एन के जगह पर आप वनी रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे अभी कि अगर क्वार्टरली है तो 1 × 4 कर देंगे, सेमी एनुअली होगा तो 1 × 2 कर देंगे, मंथली होगा तो 1 × 12 कर देंगे, लेकिन एन की बेसिक वैल्यू वनी हमेशा रहेगी। तो चलिए हेल्प करते हैं। आईसीआईसीआई में तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं क्योंकि इसमें एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ऑफर हुआ था। हमें कैलकुलेशन करनी है कोटक महिंद्रा की और एचडीएफसी की, और ये बताना है कि एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7% सेमी एनुअली का। तो देखते हैं, फॉर कोटक महिंद्रा ई इक्वल्स टू 1+ रेट है 7, सेमी एनुअली है तो रेट को आप 2 से डिवाइड करते हैं, टाइम पीरियड एन की बेसिक वैल्यू 1 लेकिन इंटू 2 कर देंगे
माइनस वन हो जाएगा। इन 200 में अभी नहीं लगा रहा हूं, लास्ट में मैं लगा दूंगा। 2 से 7 को आपने कैंसिल किया 3.5, तो ये हुआ 1.035 रेस्ट टू पावर 2 माइनस 1। अब 1.035 रेस्ट टू पावर 2 अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो 1.035 इंटू 2 करने पर 1.0712 माइनस 1 तो आ जाएगा 0.0712 इंटू 100, ये आएगा 7.12%। इसकी मीनिंग 7% सेमी एनुअली का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.12%। एक का तो हमने कैलकुलेशन कर ली। एक एचडीएफसी भी है, इसे भी कैलकुलेट करके देखते हैं कि एचडीएफसी का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होना चाहिए। फॉर एचडीएफसी इक्वल्स टू 1+6% क्वार्टरली, एन की वैल्यू 1 × 4 कर देंगे, माइनस 1, 6 को 4 से कैंसिल करेंगे, 1.5 आएगा, 1.015 रेज टू पावर 4 माइनस 1, 1.014 कंफ्यूजन है थोड़ी सी, इसे रब करके मैं अच्छे से लिख दे रहा हूं, समझना आसान हो जाएगा। 1.015 तो 1.015 इंटू 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 1.0613 माइनस 1.0613 इंटू 100 करेंगे क्योंकि परसेंटेज के साथ चाहिए 6.13%। 6% क्वार्टरली का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.13, 7% सेमी एनुअली का रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.12%। अब तो डिसीजन लेना आसान हो गया, किस बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए, आईसीआईसीआई। अगर आप सभी को याद हो तो इसके पहले की वीडियो में भी मैंने इसी एग्जांपल को यूज किया था, आईसीआईसीआई कोटक महिंद्रा और एचडीएफसी, और उसमें भी आईसीआईसीआई ही आया था जिसमें हमें डिपॉजिट करना चाहिए। लेकिन वहां हमने इसे कैलकुलेट करने का जो तरीका बताया था वह एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर तीनों मेथड से अलग अलग कैलकुलेट किया गया था अमाउंट, और फिर अमाउंट के बेस पर डिसाइड किया गया था कि किस बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए। यहां इंटरेस्ट के बेस पर डिसाइड कर रहे हैं किस बैंक में डिपॉजिट करना चाहिए। तरीके दोनों सही हैं, लेकिन जो इंटरेस्ट का मेथड है वो कंपैरेटिवली इजी होता है क्योंकि इसमें जो एनुअली होगी उसे कैलकुलेट हमें करने की जरूरत नहीं होगी। अब तीनों एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम कंपेयर कर देंगे, जो बेस्ट होगा उसी में सेलेक्ट कर लिया जाएगा, हम उसी में डिपॉजिट कर देंगे। क्वेश्चंस कुछ बनते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बेस्ड, जैसे मैं आपसे पूछ लूं व्हिच इज बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, 7% सेमी एनुअली या 6.9% क्वार्टरली, बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो अब चेक करके देख लेंगे। 7% सेमी एनुअली, 6.9% क्वार्टरली, दोनों का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। दोनों के एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो बेटर होगा हम उसी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, वही बेटर रेट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 7% सेमी एनुअली का एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.12%, 6.9 का भी इसी तरह से चेक कर लेंगे क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली, तो जो इसमें से बेटर होगा उसी को हम चूज कर लेंगे। डेप्रिसिएशन का टॉपिक इसके पहले आपको बताया गया, उसमें एक छोटा सा पार्ट और मैं इंक्लूड कर दूं। मान लें कोई एक प्रोडक्ट है 100 रुपीज का, उस प्रोडक्ट को मैं 4 इयर्स तक यूज कर रहा हूं, फर्स्ट 2 इयर्स में उस प्रोडक्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 5% एनुअली, नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 6% एनुअली। फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर। जरा देखें ये डेप्रिसिएशन का है क्वेश्चन,
दोनों में हमने एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बताया है, क्योंकि डेप्रिसिएशन में कभी भी सेमी एनुअली, क्वार्टरली या मंथली वर्ड यूज नहीं होता। ये वर्ड केवल कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड टॉपिक्स के लिए ही यूज किया जाता है, ना ही सिंपल इंटरेस्ट में, ना ही डेप्रिसिएशन में। डेप्रिसिएशन के लिए फार्मूला तो आप ये जानते हैं कि जो कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला, उसी को नेगेटिव साइन के साथ यूज करना होता है। तो हम उसी फार्मूले को यूज करेंगे, लेकिन दो फैक्टर्स, जिस तरह से कंपाउंड अमाउंट एट चेंजिंग रेट्स का यूज किया गया था, सेम पैटर्न केवल साइन नेगेटिव। देखें, 1 माइनस 5 बाई 100 डेस्ट पावर 2 इंटू 1 माइनस 6 बाई 100 डेस्ट पावर 2, सब कुछ वही रहेगा। दो फैक्टर्स हैं, यहां भी हमने दो फैक्टर्स मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लगाए, 3 होते तो 3 लगाते, ओरिजिनल प्रिंसिपल से मल्टीप्लीकेशन फॉर्म भी कर दिया, केवल फॉर्मूले में निगेटिव साइन अप्लाई कर दिया क्योंकि डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन था। अब 1 माइनस 0.5 यह हुआ 0.95 रेस्ट पावर 2 इंटू 0.94 रेस्ट पावर 2, और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 0.95 0.9025 और 0.94 0.8836, और अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 0.8836 इंटू 0.9025 इंटू 100 79.74। 100 रुपीज का अगर कोई एक प्रोडक्ट है जिसे हम 4 इयर्स के लिए यूज कर रहे हैं, फर्स्ट 2 इयर्स पर डिप्रिसिएशन चार्ज किया गया है 5% एनुअली, नेक्स्ट 2 इयर्स पर 6% एनुअली, तो 4 साल बाद उस प्रोडक्ट की वैल्यू आती है 79.74 रुपीज।